नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये AC 450 ट्रैक्टर है और भाई ने काफी RPM पर चला रखा, जो कि लोड काफी ज्यादा है। बंजर पक्की धरती है, जो कि ग्राउंड कह सकते हैं, जिसे आप उसको जोत रहे हैं। और मैं अभी भाई से मिलवाता हूँ, कुछ ट्रैक्टर के बारे में कुछ बातें पूछेंगे भाई से। और ये देखिए, मतलब साइड में कैसा है और पीछे कैसा कर दे रहा है पान। हाँ जी, बंद कर दो ट्रैक्टर एक मिनट। डिस्क ब्रेकों के साथ आता है। इसमें ऑयल ब्रेक है या सादे हैं? सादे ब्रेक, सादे ब्रेक। ऑयल में भी आ रही है। अच्छा, ऑयल में भी आ रहा है। तो कौन सा मॉडल है जी आपका ट्रैक्टर? जो ट्रैक्टर मेरा जी 2011 मॉडल है। 2011 मॉडल। अच्छा, तो कितने फीट का रोटावेटर चलाते हो जी इसके? इसके 7 फुट है जी, शक्तिमान। 7 फुट शक्तिमान का, सेमी चैंपियन प्लस। तो दोस्तों, मैं रोटावेटर भी दिखा देता हूँ आपको, और आप ये इसकी जुताई भी देख लो काफी। ये देखिए, पाड़ पाड़ में एक ब्लेंथ है, भी कुछ ज्यादा ही है दोस्तों। और ये बिल्कुल पक्की धरती है, मतलब बंजर कह सकते हो जिसे, एक प्रकार से आप बिल्कुल तापड़ है। ये ग्राउंड है एक किस्म का, और पाड़ पाड़ ही बाया भाई ने। तो इनसे कुछ बातें पूछते हैं। तो अपना नाम पता बताओ जी। अमित है जी मेरा नाम, गांव सकरपुर जी, जिला डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर जी। जी, तो आप 2 साल से चला रहे हैं इसे? हाँ जी, 2 साल से, 2-3 साल से चला। 2-3 साल से। तो आपने पुराना ही लिया है? ये चलता ही लिया था भाई। चलता ही 45 HP का है ना ये? हाँ जी, 45। अच्छा, तो 7 फुट रोटावेटर खींच लिया अच्छी तरीके से? बड़े आराम से जी, 8 फुट का भी खींच लेगा जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो लोड वगैरह कुछ मानता नहीं? कोई लोड नहीं मानता। तो एवरेज क्या देता है जी? ये जी 1 बीघे बांध में 900 ग्राम। अच्छा, और जी 1 लीटर तेल में 11 किलोमीटर जा रही ट्रैक्टर। 1 लीटर तेल में 11 किलोमीटर? 11 किलोमीटर, हाँ जी, ये एवरेज है। तो ये तो आपने बहुत खास बात बताई है दोस्तों, 1 लीटर तेल में 11 किलोमीटर ट्रैक्टर चला जाता है खाली। हाँ जी, खाली। हाँ, तो रोड पे एवरेज तो काफी अच्छा है भाई, रोड पे तो इसका। अच्छा, और कुछ खास बात इसके बारे में? भाई जी, खास बात तो है, सोनाली का भी है जी मेरे, 750। देखो, सोनाली का 750 भी आपके पास? हाँ जी। अच्छा, वो ट्रैक्टर दबे है जी? अच्छा, दबे है वो? ये दबता है, जितनी छोड़ लो, दोनों लीवर छोड़ लो नीचे जी। अच्छा, दबने का ट्रैक्टर जी, और एवरेज भी बढ़िया जाएगा जी। अच्छा, तो सोनाली का 750 कौन सा मॉडल है जी आपके पास? वो है जी 17 मॉडल है जी मेरे। 17 मॉडल, हाँ जी। अच्छा, तो ट्रैक्टर तो वो भी नया है। हाँ जी, तो उसकी HP ज्यादा है, तो ये तो बात मतलब कुछ हजम सी नहीं होती। देखो जी, मैं बताऊँ, HP ज्यादा है जी, पर वो ट्रैक्टर मेरे पे ऐसा है जी, कोई शुरू से ही ले रहा जी मैं ट्रैक्टर जी। जी, सोनाली का ही ले रहा जी ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर में 2-3 साल तक लाया जी, जी ट्रैक्टर में मजा आया जी, मतलब उससे ज्यादा मैं आया जी मजा। अच्छा, हाँ जी, भाई इसका सामान एजेंसी से ही है जी, यहाँ नहीं मिलता, जैसे सहारनपुर मिलेगा वैसे मिलेगा। अच्छा, करनाल मिलेगा, ये मिलेगा, फिर वहाँ जी वो क्या नाम वो है जी, फतेहाबाद है जी। फतेहाबाद, हाँ जी, वहाँ मिले। तो आसपास सामान नहीं मिलता, ये दिक्कत है? मिलता, ये है दिक्कत। तो ये कमी है इसकी, मतलब और कोई कमी नहीं है? ना जी, और कोई कमी नहीं है। अच्छा, ट्रैक्टर बढ़िया है। तो हाइड्रोली वगैरह प्रॉपर काम करती है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया खड़ा जी। और कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है जी। तो बस थोड़ी सामान को लेकर दिक्कत? सामान की है दिक्कत, वो सामान नहीं मिलता। हाँ, सामान लोकल में नहीं मिल पाता। हाँ जी, तो दोस्तों इसीलिए इसकी मार्केट कम है, क्योंकि सामान वगैरह भाई काश्तकार हर सहूलियत को देखता है कि मतलब सामान तो ले लेते हैं लोग, बाग ट्रैक्टर तो ले लेते हैं, और सामान उसका अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो भाई ने बताया कि इसका सामान वगैरह करनाल से या सहारनपुर से या फिर फतेहाबाद से मिलता है? सहारनपुर से नहीं मिलता। अच्छा, फतेहाबाद से या फिर करनाल से। तो रोटावेटर जैसा शक्तिमान का चला रहे, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो चला के दिखाइयो जी एक बार, आवाज सुनवा दो ट्रैक्टर की। कितने RPM पे चलाओगे? 2100 RPM पे। तो इतने RPM पे क्यों चला रहे हैं? 2100 भी है इसमें कागज भी ये रखा है। अच्छा, 2100 रेट पे। अच्छा, तो भाई कंपनी के हिसाब से चलाते हैं। प्लेट वगैरह भी काफी अच्छी कंडीशन के है रोटावेटर में, दिखा दूं आपको। देख लो भाइयों,
शक्तिमान का रोटावेटर है, क्योंकि शक्तिमान रोटावेटर में एक खासियत है, जितना ये लग जाता है इतना और कोई रोटावेटर लग नहीं पाता। ये देखो भाई ने लीवर शायद दोनों नीचे छोड़ दिए, दोनों लीवर नीचे हैं। और 45 HP में काफी शानदार परफॉर्मेंस करने वाला ट्रैक्टर है, आप देख भी पा रहे होंगे कि रोटावेटर भाई ने काफी ज्यादा लगा दिया और धुआं वगैरह किसी प्रकार का नहीं है। और पान भी आप देख रहे हैं पीछे कैसा हो रहा, और ये जमीन भी देख पा रहे होंगे कैसी है। तो यही था दोस्तों, इसमें 14/9/28 के टायर आते हैं और अगले टायर 6/16 के हैं। शानदार, काफी शानदार खिंचाई। दूसरे की लो में चला रहे हैं ना, दूसरे की लो में पहले किलो में था ये, अच्छा अब दूसरे किलो में दिखाएंगे चला के भाई। ये देखो चाल भी अच्छी चाल है ट्रैक्टर की, क्या शानदार चाल है भाई। भाई वो शक्तिमान रोटावेटर की रीस नहीं होती वैसे। शक्तिमान तो शक्तिमान ही है, थोड़ा लोड ज्यादा होता है इसका, लेकिन इससे ज्यादा कोई रोटावेटर लग नहीं पाता। तो भाई साहब एक मिनट और रोक लो, एक मिनट। तो सिंगल क्लच में है ये डबल में है? अच्छा डबल में है, क्योंकि आप जैसा क्लच छोड़ रहे तो रोटावेटर भी चल रहा। देखा मैंने सिंगल में ही है जी। हाँ सिंगल में ही है ये, सिंगल में ही है, डबल में नहीं है भाई साहब। तो दोस्तों सिंगल क्लच का है ट्रैक्टर, सिंगल में है, डबल में हो जाएगा। पर बाकी रोटावेटर पे कोई जरूरत नहीं होती डबल क्लच की, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त कुछ भाई किसान भाई ऐसे है, क्योंकि जरूरत तो होती नहीं वो ले लेते हैं। दोस्तों जरूरत के हिसाब से ही सामान लेना चाहिए, सिंगल क्लच का मतलब रोटावेटर पे चल जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही था दोस्तों, कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है वीडियो के नीचे, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा भाई ने बताया यो रेट भी इसका बता दिया, वैसे तो मैं बता ही देता हूँ आपको रेट इसका। भाई ने 2.25 लाख रुपये का लिया था, ये 2012 मॉडल 11 मॉडल है, और इतने कम पैसों में मतलब इतना काम शायद ही कोई ट्रैक्टर कर पाता है। ये देखो परफॉर्मेंस ट्रैक्टर की।